तो क्या होगा एलिजिबल। बंद ट्रू हो गया, कॉमा देंगे तो ये जंप किस पर किया, फॉल्स पर, यानी कि फॉर्मूला कैसे फ्लो हो रहा है ये आपको गाइड करता है, हाँ या ना जी सर। अब फॉल्स है तो नॉट एलिजिबल, और कुछ नहीं, फॉर्मूला खत्म, बंद फिनिश, एलिजिबल है। अब एक काम करते हैं, इसमें इक्वल टू हटा के देखते हैं, देखो क्या होता है। बोर्ड पर बताए थे सेम आ गया, तो चुकी है। हम कोई भी जब ऐसा पास होता है तो हम कहते हैं कि 90 तक फर्स्ट डिवीजन, तो 90 भी फर्स्ट डिवीजन है, 90.01 भी फर्स्ट डिवीजन है, आया ना। अब कुछ नहीं करना है, इसको उठाइए पटक दीजिए, तो आपको देख रहा है ये नॉट एलिजिबल है, चूंकि अभी वहां क्या है इक्वल टू हटा दिए थे, तो आके जाके यहां पर एडिट कर दिए, इक्वल टू लगा दीजिए, क्या दिक्कत है, ये एलिजिबल हो जाएगा, बाकी सब ठीक है, क्योंकि ये 0.1 से बचा हुआ है, ये तो सीधे खत्म है, ये एलिजिबल है, ये एलिजिबल है, नॉट एलिजिबल है, कोई दिक्कत। अब इसके नेक्स्ट में यही था हम जो सर सिखाना चाहते थे कि नहीं, मार्क्स, मार्क्स वाला जो स्कूल में मार्क्स चलता है उसका क्राइटेरिया होता है, क्राइटेरिया पढ़ लीजिए। फर्स्ट क्राइटेरिया है 90 से बड़ा या बराबर फर्स्ट ए प्लस होता है, ए वन आपके स्कूल में। नंबर टू क्राइटेरिया है 80 से अबव ए टू। तीसरा 70 से अबव B1। 60 या 60 से अबव B2। 5 50 से अबव सिर्फ C। और लास्ट में क्या, सिर्फ D। खत्म। तो कितने लॉजिक टेस्ट होंगे आपके, 6। अब इफ का एक लॉजिक याद रखिए, इससे बड़ा ब्रह्मास्त्र नहीं है, ये मेरा बहुत साल का एक्सपीरियंस का जजमेंट है, अगर लॉजिक 2 हो तो 1 ए, लॉजिक 3 है तो 2 ए, 5 है तो 4। इसी इफ के अंदर इफ लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, नेस्टेड इफ। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम करके देख लें, अभी लंच में 10 मिनट गवाइएगा साइलेंट बोर्ड में।